सबसे पहले मैं शरद पवार जी का और उनकी पार्टी के सभी नेताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं, भगवंत मान साहब और हमारे सभी साथी शरद पवार जी के साथ और उनकी पूरे सभी नेताओं के साथ यहाँ मिलने के लिए आए थे। आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली के लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी तो 23 मई 2015 को एक सिंपल सा नोटिफिकेशन जारी करके केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की सर्विसेज की अधिकारियों के ऊपर कंट्रोल करने की सारी पावर छीन ली। 2015 से लेके 23 मई 2015 अब मई 2023 हो गया, 8 साल से हम लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर दिल्ली के लोग काट रहे थे। 8 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 50 संविधान पीठ ने, कंस्टिट्यूशन बेंच ने 50 से पूरा का पूरा ऑर्डर दिल्ली के लोगों के हक में लिया कि दिल्ली के लोग जो सरकार चुनते हैं उस सरकार को काम करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। अगर वो काम नहीं कर सकती तो दिल्ली के लोगों को चुनाव करने की, सरकार चुनने की क्या फायदा। पूरा हमारे हक में आया। लेकिन जो लड़ाई 8 साल में हमने जीती, 11 मई को ऑर्डर आया, 19 मई को 8 दिन के अंदर इन्होंने ऑर्डिनेंस लाके उसको खत्म कर दिया। सारी पावर वापस, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास या केंद्र के एलजी के पास सारी पावर। तो जैसा अभी एक्सप्लेन किया कि अब ये बिल के रूप में आएगा पार्लियामेंट में, तो हम पूरे देश में एक 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 पार्टी के पास जा रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि दिल्ली के लोगों के साथ न्याय होना चाहिए, दिल्ली के लोगों के लिए समर्थन मांग रहे हैं कि जब ये संसद में बिल आएगा तो उसका और इसको बिल को हराना है। तो मैं एनसीपी का, पूरी पार्टी का, शरद पवार साहब का खास तौर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पूरा समर्थन देने की हमें आश्वासन दिया है कि जब ये बिल राज्यसभा में आएगा तो राज्यसभा में इस बिल को पास नहीं होने देंगे। जैसा भी प्रफुल्ल पटेल साहब ने बताया कि राज्यसभा के अंदर किसी भी पार्टी का स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो अगर नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी होती हैं तो ये बिल गिर सकता है। पहली चीज ये कि ये दिल्ली की लड़ाई नहीं है, दिल्ली के लोगों के साथ जो हो रहा है ये पूरे फेडरल स्ट्रक्चर की लड़ाई है। जिस तरह से पूरे देश के अंदर किसी भी राज्य में अगर वहां के लोग नॉन बीजेपी पार्टी को वोट देके उसकी सरकार बनाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार उनके साथ 3 बर्ताव करती है। पहला, या तो उनके विधायकों को खरीद के उनकी सरकार गिरा देती है और बीजेपी की सरकार बना लेती है। दूसरा, या फिर ईडी और सीबीआई को भेज के उनके विधायकों को डरा के धमका के पार्टी को तोड़ के, सरकार को तोड़ के उनकी सरकार गिरा देती है और अपनी बीजेपी की सरकार बना लेती है। और तीसरा, अगर ना बिके ना टूटे तो फिर अध्यादेश लाके, ऑर्डिनेंस लाके गवर्नर के जरिए उनको काम नहीं करने दिया जाता। ये देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है और मैं समझता हूँ महाराष्ट्र के अंदर आप सब लोग इसके भुक्तभोगी हैं। हमने कुछ महीने पहले देखा कि यहाँ पे किस तरह से जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को किस तरह से ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, पैसों के द्वारा तोड़ के, एमएलएस को तोड़ के और पूरी सरकार को गिरा दिया गया। ये देश के लिए अच्छी परिस्थिति नहीं है कि अगर केंद्र सरकार, अगर उन्होंने मैसेज दिया है कि अगर कोई बीजेपी को वोट नहीं देगा, बीजेपी की सरकार नहीं बनाएगा तो हम सरकार चलने नहीं देंगे या सरकार तोड़ देंगे। ये देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। तो हम पूरे देश के लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं ये विपक्ष की एकता है क्या? ये पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, ये देश की बात है, देशभक्तों की बात है। देश, जितने इस देश के अंदर देश को चाहने वाले लोग हैं, जितने इस देश के अंदर देश को चाहने वाली पार्टियां हैं, उन सबको इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग। तो जितने देश को चाहने, कोई देश को चाहने वाला व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि भाई इस तरह से चुनी हुई सरकार को तोड़ के, खरीद के, अध्यादेश जारी करके काम ना करने दिया जाए। तो मैं फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ शरद पवार साहब का कि आपने हमें, और शरद पवार साहब देश के, आज मैं समझता हूँ कि इज वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स विच द कंट्री हैज। सो हम
शरद पवार जी से हमने निवेदन किया कि आपका तो सहयोग मिलेगा ही, लेकिन आप सारी पार्टियों से बात करके उनको सबको भी इस बिल के खिलाफ इकट्ठा करेंगे। और मैं समझता हूं कि अगर ये राज्यसभा में बिल गिर जाता है, बीजेपी पास नहीं करवा पाती है, तो ये आप इसको 2024 का सेमीफाइनल मानिएगा, फिर मैसेज ये होगा कि 2024 में मोदी जी की सरकार नहीं आ रही है। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सॅन सोनाबट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा, आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 67 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।